इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? राजेश बेटा जरा देखो तो कौन आया। देखता हूँ। नमिता होगी। नमिता? अच्छा आपकी नई पीए, वो सुबह सुबह क्यों आई है? बताता भी हूँ और तुम्हें उससे मिलवाता भी। बहू जरा चाय बना लो। जी पिताजी अभी लाई। पापा नमिता। अरे नमिता। नमस्ते सर। नमस्ते नमिता, ये हमारी पत्नी है सुगंधा। नमस्ते मैम। सुगंधा ये नमिता, ये इनके पति श्रीधर हैं। आइए बैठो। हाँ नमिता अब बताओ बेटा। क्या बताऊँ सर, समझ में नहीं आ रहा। हमारी शादी को 2 साल हो गए। शुरुआत में इनका काम अच्छा चल रहा था, हमारा अपना घर था, अपनी दुकान थी, हम दोनों बहुत खुश थे। पिछले साल मार्च में मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। लगा भगवान ने मुझे सारी खुशियां दे दी हूँ। अचानक बाद में सब कुछ बदल गया। दुकान घाटे में चली गई, हमने अपना घर गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिए ताकि दुकान में कुछ माल ला सके, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसी की नज़र लगी थी या कुछ और पता नहीं, छठवें महीने में मेरा मिस कैरिज हो गया। चुप हो, रो मत। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। अरे हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। लो पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। पियो। सर पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। मजबूरन मैंने नौकरी करना शुरू कर दी। नौकरी 10-12 दिन से ज़्यादा नौकरी टिकती नहीं है। कहीं बॉस का व्यवहार खराब है तो कहीं सैलरी कम है। हालात से बहुत समझौता करने की कोशिश करी लेकिन मेरा हर प्रयास नाकाम रहा। फिर नमिता ने भी नौकरी खोजना शुरू कर दी। 3 महीने तक ना इसे कोई जॉब मिली और ना मुझे, और बहुत कोशिश के बाद आपके पास इसको जॉब मिली है। लेकिन जॉब के बावजूद भी घर में जो समस्याएं हैं जो कि तो कम होने का नाम ही नहीं लेती। ओके, तो ये बात नमिता को ऑफिस में परेशान देख के मैं समझ गया था कि जरूर कोई बात है, लेकिन इतनी परेशान होगी इसका अंदाजा मुझे नहीं था। खैर राजेश ले आना। हाँ। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन। सच में मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है? हाँ बिल्कुल, भरोसा रखो। तुम दोनों ने जो भी बताया सिर्फ तुम्हारे घर की ही समस्या नहीं है, लगभग ये हर घर की प्रॉब्लम है, जो खासकर घर में वास्तु दोष होने पर या जन्म कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो या ग्रहों की दशा बदल गई हो तो ऐसी समस्या आती है। आप इन्हें ये भी तो बताइए, लोगों की बुरी नजरें सारा सुख चैन छीन देती है। कई बार तो हमारे आस पास ऐसे लोग होते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं। हाँ सुगंधा बिल्कुल सही कह रही है। नमस्ते। नमस्ते। लीजिए बाबू। हाँ मनुष्य का जीवन ग्रहों की दशा और दिशा के अनुरूप बदलता रहता है। जब सभी ग्रह अपने शुभ स्थान पर होते हैं तो व्यक्ति अपनी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है, लेकिन जब ग्रह अनुकूल परिस्थिति में नहीं होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं। साथ ही वास्तु दोष और बुरी नजर भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में किसी दैवीय यंत्र को सही मंत्रों और विधि द्वारा अभिमंत्रित करके शुद्ध किया जाए और उसका सही इस्तेमाल करें तो न सिर्फ व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं, बल्कि सपने भी साकार हो सकते हैं। साई राइजिंग सन्स का शिव त्रिशूल ऐसा ही एक यंत्र है। नमिता श्रीधर तुम दोनों को हमने जो भी कारण बताए हैं उस सारे प्रॉब्लम मैंने और इस घर के हर सदस्य ने झेले हैं, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि सही समय पर शिव जी का ये त्रिशूल हमें मिला। और तुम यकीन नहीं करोगी, इस त्रिशूल ने हमारी सारी समस्याओं को आसानी से खत्म कर दिया। इस त्रिशूल ने, इसमें ऐसी क्या खास बात है? सर आई एम सॉरी, आप कह रहे हैं कि ये कोई अलादीन का चिराग है या जादू की छड़ी है कि इसको घुमाएंगे और मेरी फूटी किस्मत बदल जाएगी? हाँ तुम सही कह रहे हो, ये कोई जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग नहीं है जो रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल देगा।
लेकिन इससे निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति जरूर पैदा कर देगी कि तुम किसी भी मुश्किल घड़ी में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाओगे। ये त्रिशूल घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके न सिर्फ वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि बुरी नजर से भी घर को सुरक्षित रखता है। सर, इस शिव त्रिशूल में आखिर ऐसा है क्या जो सारी प्रॉब्लम दूर कर देता है? मैं इस चीज को पॉसिबल नहीं समझता। एक मिनट पापा, इसका जवाब मैं देता हूँ। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार त्रिशूल को भगवान शिव का अस्त्र माना गया है और यही त्रिशूल हम माँ दुर्गा के हाथों में भी देखते हैं। इसी त्रिशूल से इन्होंने बुरी शक्तियों का नाश किया, इसलिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसके आसपास नहीं आ सकती। और इसके साथ साथ इसके तीनों ब्लेड्स में सरस्वती, लक्ष्मी और काली माँ का भी स्थान माना गया है, इसलिए जहाँ पर भी त्रिशूल होगा वहाँ पर विद्या और धन के साथ साथ पॉजिटिव बदलाव तो आएंगे ही और साथ में बुरी नज़र से बचाव होगा। इसलिए त्रिशूल सिर्फ एक अस्त्र नहीं, एक अच्छे जीवन का आधार भी है। चलिए मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ, लेकिन इस त्रिशूल में और अन्य त्रिशूल में क्या अंतर है? अंतर है, ये त्रिशूल साई राइजिंग संस नाम की एक संस्था ने बनाए। इसके मालिक संजय जी के जीवन में भी कठिनाइयों का ऐसा ही मोड़ आया था। उसी समय उनके गुरु जी ने उन्हें ये त्रिशूल दिया। उसके बाद उनके जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन आया। उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि लोगों के कल्याण के लिए वो भी इस त्रिशूल को बनाएंगे। ये त्रिशूल एक पीतल की धातु से बनी है जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया है। इस त्रिशूल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक यज्ञ के द्वारा इस त्रिशूल को शुद्ध करके इसमें शक्तियाँ स्थापित की जाती है। एक विशेष मंत्र का निश्चित संख्या में मंत्रोच्चारण किया जाता है और वो भी एक विशेष दिन ही करना पड़ता है, तब जाकर ये त्रिशूल अपने वास्तविक और चमत्कारिक रूप में तैयार होती है। लेकिन ऐसी कई प्रोडक्ट हैं जो आजकल टीवी पर चल रहे हैं और लगभग वो सब भी यही दावा करते हैं, तो मैं कैसे इस पे विश्वास कर लूं और बाकियों पर नहीं? तुम्हारा संदेह करना ठीक है नमिता, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इसका लाभ उसी को मिलेगा जो इसकी शक्ति पर पूरा भरोसा करेगा। जैसे मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। और सबसे बड़ी बात, इस भोले बाबा के त्रिशूल ने हमारे पूरे घर के जीवन को रोशनी से भर दिया है और इसीलिए हम तुम्हें इसके बारे में बता रहे हैं। हाँ बेटे, 3 साल पहले मुझे अपने कारोबार में जबरदस्त नुकसान हुआ। ऐसा लगा कि पूरा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। चिंता के कारण मैं बीमार भी रहने लगा, ऑफिस जाना भी छूट गया और घर की माली हालत भी खराब होने लगी। राजेश ने बिजनेस को संभालने की बहुत कोशिश की पर क्या सर? एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, चोट सीधा मेरे सर में लगी। इलाज के बाद भी मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था, डॉक्टर्स के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ऑफिस जाना छूट गया। जैसे तैसे पूर्वा ने ऑफिस संभालने की कोशिश की लेकिन वो नाकाफी था। लेकिन उन्हीं दिनों मैं अनिल शास्त्री अपनी संस्था साई राइजिंग संस की ओर से इन्हें बचाने के लिए आ गया था, वैसे ही जैसे मैं आज आ गया हूँ तुम्हें बचाने। जय भोलेनाथ की। आइए आइए पंडित जी। ये नमिता है और ये शिव है, ये दोनों पति पत्नी है और काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए आज सुबह मैंने आपको फोन करके बुलाया था और काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था कि आप आए और इनकी समस्याओं का कुछ निवारण करें। जय भोलेनाथ की। देखो बच्चा, ये परिवार 1 साल पहले दुखों में घिरा हुआ था, लेकिन हमने इस त्रिशूल को बनाने के बाद सोचा कि इसका परीक्षण किया जाए। क्या वाकई ये कारगर है? क्या वाकई ये लोगों के भले के काम आता है? तो हमने इसे परीक्षण के लिए कुछ परिवारों को दिया। कुछ समय बाद जब हम लोगों के घर गए तब हमने देखा उनके बिगड़े काम बन चुके हैं, लोग खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। ये त्रिशूल वाकई लोगों के भले के काम आता है। पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले तो हमें भी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन 15-20 दिन बाद राजेश का सिरदर्द एकदम गायब हो गया और इसने कारोबार भी संभाल लिया। कारोबार भी 2-3 महीने में अपने आप चलने लगा। मुझे लगा कि अब मेरे सालों की मेहनत अब बच जाएगी। मेरे अंदर फिर से काम करने का जज्बा जाग गया और ये सब भोलेनाथ के इस त्रिशूल की कृपा से हुआ। नमिता, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर शादी के बाद जब मैं इस घर में आई तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं रातों को सो नहीं पाती थी, ऐसा लगता था मानो मेरे आसपास कोई हो। अजीब अजीब से ख्याल आते थे, मैं नींद की गोलियां लेकर सोती थी। पर यकीन मानो मेरा, जब से मैंने शिव त्रिशूल अपने पास रखना शुरू किया है मेरा सारा डर निकल गया है। अब मैं चैन से सोती हूँ और वो भी बिना नींद की गोलियां लिए। सच में अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि ये शिव त्रिशूल मेरे दिन जरूर बदलेगा। नमिता, मैं चाहता तो इस त्रिशूल के बारे में ऑफिस में ही बता देता पर मुझे पता था तुम इस पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें घर पर बुलाया।
सर अब तो ये त्रिशूल आप मुझे दे ही दीजिए, बहुत कष्ट झेल लिए मैंने, अब नहीं झेला जाता बस। बेटा त्रिशूल लेने के लिए तुम्हें हमारे साई राइजिंग संस्थान के टोल फ्री नंबर 1800532154 पर कॉल करके मंगाना पड़ेगा। वैसे तो इसकी कीमत 5000 रुपए है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए इसकी कीमत मात्र 3100 रुपए रखी गई है। तो पैसे कैसे देने होंगे? आप चाहे तो डिलीवरी के समय भी कैश दे सकते हैं, या फिर बुक करते समय क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने ये त्रिशूल अपनी बेटी को भी दिया और अपने कई दोस्तों को भी इसे लेने की सलाह दी, और उन सब के जीवन में इस त्रिशूल के कारण बदलाव आए। ये सब भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है। जिसके दुख को वो दूर करना चाहते हैं उसके घर ये त्रिशूल आ जाती है। भोलेनाथ के इस शिव त्रिशूल को अपने जीवन में शामिल करके आप न सिर्फ अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा महसूस करेंगे जो आपके सपनों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। इस शिव त्रिशूल को लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800532154 पर कॉल करें। इसकी कीमत है मात्र 3100 रुपए। आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। शिव त्रिशूल के साथ आपको दिया जा रहा है रुद्राक्ष की एक माला, एक शिव चालीसा, हाथ में पहनने के लिए एक बैंड और भभूत। शिव त्रिशूल 100% काम करे इसके लिए आवश्यक है कि आप कुछ नियमों का पालन करें। त्रिशूल के साथ जो रुद्राक्ष की माला दी गई है उससे प्रतिदिन एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें, और इसके साथ शिव चालीसा का भी पाठ करें, और आप लोग अपनी आस्था भोलेनाथ और त्रिशूल पर बनाए रखें। हाँ, वरना आप इसके प्रभाव से वंचित रह जाओगे, जैसे मेरा छोटा बेटा रूपांश। हाय मैडम जी, मम्मी एकदम सही कह रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में है, मैं एक सिंगर बनना चाहता था। सिंगिंग के लिए मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कहीं कुछ चांस नहीं मिला। मम्मी मुझे अक्सर कहा करती थी कि शिव जी के इस त्रिशूल की पूरे दिल से पूजा करो, लेकिन मैं बस मम्मी को खुश करने के लिए त्रिशूल के सामने खड़ा हो जाता था, बिल्कुल नहीं मानता था, बेवकूफ जो था। काफी दिनों बाद भी मैंने जब सिंगिंग के लिए ट्राई करा कुछ चांस नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी भाभी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि टैलेंट और मेहनत के साथ साथ लक का होना बहुत जरूरी है। भाभी की बात मुझे बहुत सही लगी। उसी दिन से मैंने शिव जी के इस त्रिशूल की पूरे दिल से पूजा करनी शुरू कर दी, और गुड न्यूज ये है कि थोड़े ही दिन में मेरा 5 गानों का म्यूजिक एल्बम आने वाला है। नमिता, मैं भी एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न औरत हूँ, लेकिन मैंने देखा है जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं से आस्था और अध्यात्म की शुरुआत होती है, और ये शिव त्रिशूल किसी भी तरह की समस्या को दूर करने में बहुत ही कारगर है। फिर चाहे वो बीमारियाँ हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, पढ़ाई ना हो पा रही हो, किसी के तलाक हो रहे हो, किसी भी तरह की समस्या को दूर करने में ये बहुत ही कारगर है। नहीं, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि शिव जी का त्रिशूल मेरे सारे दुख हर लेगा और मेरी खोई हुई खुशियाँ मुझे वापस कर देगा। माँ जी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके घर के उस स्थान को देखना चाहती हूँ जहाँ पर आपने ये शिव त्रिशूल रखा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए आप सभी चलिए, मैं दिखाती हूँ। आइए। पंडित जी, आपने कौन सा नंबर बताया था त्रिशूल मंगवाने के लिए? एक बात तुम्हें फिर बता दूं बेटा, ये त्रिशूल कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल देगा। इसमें विश्वास और आस्था के साथ साथ धैर्य की भी जरूरत है। फिर देखो भोलेनाथ कैसे तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकालते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। तो लगाइए फोन। साई राइजिंग सन्स के इस शिव त्रिशूल को लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800532154 पर कॉल करें। इसकी कीमत है मात्र 3100 रुपए। भोलेनाथ के इस शिव त्रिशूल को अपने घर के पूजा स्थान पर रखें और सभी कष्टों से मुक्ति पाएं। जय भोलेनाथ की।